हेलो एवरी वन यूर वॉचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं मैू डाइटिशियन मंजू मलिक आज मैं आपके लिए एक और हेल्दी बेड टाइम ड्रिंक या बेड टाइम टी की रेसिपी लेकर आई हूँ ये एशियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है उनकी डाइट में ये स्टेबल है तो चाहे कोरिया हो जापान हो चाइना हो ताइवान हो वहाँ पर ये ड्रिंक पॉपुलर है और ये मैं कह सकती हूँ कि जो उनकी इतनी अच्छी हेल्थ है दे डोंट हैव बेली फैट इतना ज़्यादा नहीं दिखता है उनके अंदर उनकी जो स्किन है उसे ग्लास स्किन कहा जाता है नॉट ओनली दैट कहा जाता है कि अगर बात करें लॉन्जिविटी की कितनी ज्यादा उम्र रहती है वहाँ पर भी ये कंट्रीज uh, टॉप में रहती हैं तो ये जो चाय है ये उसका एक रीज़न हो सकती है ये चाय जो है ये एशियन कंट्रीज में पॉपुलर है एंड मुझे इसके बारे में एक जापनीज फ़िटनेस इंस्ट्रक्टर से पता लगा था आई वो शॉक कि क्यों ये चाय इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज़ होता है इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया इसका नाम अगर मैं बताऊँ तो इसे कोरिया में बोरीचा जापान में मोरीचा मूगी चा या दमाई चा के नाम से चा जो इसमें वर्ड है वो चाय से ही आया है ये जो चाय है अब धीरे धीरे बाकी कंट्रीज़ में भी पॉपुलर हो रही है रिसेंटली यूके में पाया गया है कि इस टी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है इसके अलावा ये यूरोप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है यूएस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और वो इसीलिए क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं ना सिर्फ ये चाय आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है ये आपके मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करेगी आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी बल्कि आपकी ब्लड को प्योरिफाई करने के लिए स्पेशली जापान में इस टी से रिलेटेड कहावत भी है कि जो लोग ये चाय पीते हैं उनका ब्लड जो है वो प्योर रहता है आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी ये चाय जो है वो इंक्रीज करेगी आपकी नींद की क्वालिटी को ये इम्प्रूव करेगी ये चाय जो है एशियन कंट्रीज में कैफ़िनेटेड टी का एक बहुत अच्छा सब्सटीट्यूट है क्योंकि इसमें हल्का हल्का टेस्ट वैसा ही आता है तो अगर आपको कट डाउन करना है कॉफ़ी या चाय तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि बेड टाइम के आसपास आपको चाय कॉफ़ी अवॉइड करनी चाहिए कैफिनेटेड ड्रिंक्स तो आप इसे इंजॉय करेंगे तो आपको टेस्ट वैसा ही आएगा फ्लेवर वैसा ही आएगा लेकिन जो साइड इफेक्ट्स होते हैं कैफीन के वो आपको नहीं मिलेंगे उनसे आप बच जाओगे का फ्लेवर काफी नटी है अर्थी है बहुत ही एरोमेटिक ड्रिंक है ये इसके अंदर बहुत सारे वाइटामिन एंड मिनरल्स हैं जैसे कि ये वाइटामिन ए में वाइटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट्स में अमाइनो एसिड्स में सेलेनियम में मेलेटिन और ट्राफ्टोफन में रिच है तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ बार्ले टी यानी जौ की चाय की बार्ले टी जो है वो बहुत पॉपुलर है स्पेशली जापान में कोरिया में चाइना में और इसे बनाना बहुत ही आसान है आप इन पैकेट्स को देख सकते हैं ये इस तरह के पैकेट्स में मिलती है वैसे वहाँ पर चाय लेकिन आप क्योंकि इंडिया में शायद ये नहीं मिलेंगे इन्हें बनाना बहुत आसान है इस टी को आप घर के अंदर भी रोस्ट करके बना सकते हैं तो सबसे पहले मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ और फिर इसके मैजिकल बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे इसे बनाने के लिए आपको चाहिए होल बार्ले तो मैंने जो आपके साथ मॉर्निंग ड्रिंक शेयर किया था इस मंथ में वहाँ पर हमने होल बार्ले का इस्तेमाल किया था तो दो ऑलरेडी कंज्यूमिंग दैट ड्रिंक उनके पास होल बार्ले होगा सो यहाँ पर मैं दो से तीन चम्मच ले रही हूँ बार्ले का होल बार्ले का सबसे पहले हम करेंगे अपने बार्ले को रोस्ट यानी जौ को हम रोस्ट करेंगे तो हम सबसे पहले तेज आंच पे इसे डालेंगे लेकिन उसके बाद हम धीमी आंच कर देंगे और आप इसे लगातार चलाते रहे ताकि हर तरफ से ये इवनली रोस्ट हो जाए बाकी जो स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे वो है काली मिर्च एक से दो काली मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे कार्डमम यानी एक इलायची और हम इसमें ऐड करेंगे आधी चम्मच सौफ यानी फेनल सीड्स अगर आप ज्यादा लंबे टाइम तक इसे अनअटेंडेड छोड़ देंगे तो इसके जलने के चांसेस ये एक तरफ से तो बर्न हो जाए हमें जो टेक्सचर चाहिए वो ये है कि ये चारों तरफ से डार्क ब्राउन हो जाए जब हमारे बारले जो है वो ऑलमोस्ट रोस्ट हो जाएंगे तब हम उसके अंदर बाकी हमारे स्पाइसेस जो हैं वो ऐड करेंगे काफी लोग पूछेंगे कि क्या हम एक बड़े बैच में इसे रोस्ट कर सकते हैं यस yes. आप हफ्ते दस दिन का जो क्वांटिटी है वो एक साथ रोस्ट कर सकते हैं आप इसे पीस कर भी रख सकते हैं जैसे मेरे यहाँ पर पास में ये अवेलेबल है ये अभी अभी मैंने रोस्ट किया है जो आपने देखा रेसिपी में ये रोस्ट करने के बाद अगर आप इसे स्मेल करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा स्मेल करता है इसके अंदर जो बाकी हमने डाली है इलायची डाली है अब या तो आप मोटर एंड पेस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप मिक्सी का ग्राइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको इसे दरदरा पीसना है मोटर एंड पेस्टल में अगर आप करेंगे तो अरोमा अच्छा आएगा टाइम बहुत ज्यादा लगेगा तो अगर आप टाइम और एनर्जी थोड़ा सा बचाना चाहते हैं तो आप मिक्सिंग ग्राइंडर के अंदर भी इसको पीस सकते हैं अब एक पैन में मैंने दो सौ पानी लिया है और उसके अंदर हम दो चम्मच दो बड़े चम्मच यानी टेबल स्पून ये पाउडर जो है वो ऐड करेंगे और इसे हीट पर रख देंगे अब हमें इसे बॉयल आने तक पकाना है बॉयल आने के बाद हमें आंच को कम करके इसे सिमर होने देना है इसे एक से दो मिनट के लिए हम धीमी आच फिर पकाएंगे सिमर करेंगे और फिर हमें गैस को बंद कर देना है इसे बहुत ज्यादा आपको रिड्यूस नहीं करना है वी विल लीव इट हम इसे और स्टीप होने देंगे और इन्फ्यूज होने देंगे दो से चार मिनट के लिए आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए और फिर आप इसे स्ट्रेन कर लीजिए और इंजॉय कीजिए अगर आप चाहें तो इसमें आप थोड़ा सा प्योर वाइल्ड हनी ऐड कर सकते हैं अदरवाइज आप उसे स्किप कर सकते हैं सो so मैंने जो अपनी चाय बनाई थी वो ये है और मैं अब इसे दिस टेस्ट जस्ट लाइक माइल्ड कॉफी का जैसे टेस्ट होता है This is delicious. Definitely going to enjoy it. और आपको इसे पीना कब है आपने अपना डिनर फिनिश किया उसकी फोर्टी टू फिफ्टी मिनट्स के बाद आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं सोने से चालीस मिनट पहले एक घंटा पहले पियेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा अब बात करते हैं बार्ले टी या बार्ले कॉफी या फिर जौ की चाय के बेनिफिट्स के बारे में सबसे पहले तो कैलोरी में लो है कैफिनेटेड ड्रिंक का बहुत अच्छा सब्सिटीट्यूट है क्योंकि इसके अंदर फ्लेवनाइड होते हैं एक तरह के एंटी तो आपके ब्लड सर्कुलेशन को ये इंप्रूव करती है इसके अंदर बहुत सारे एंटी होते हैं स्पेशली इसके अंदर क्वारसीटन होता है इसके अंदर वाइटामिन सी भी होता है इसके अंदर लिगन भी होते हैं वाइटामिन ए और सी भी होता है ये सारे पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट्स जो आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए ब्लड प्रेशर के ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि एंटी में विटामिन सी में रिच है तो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए चाय बहुत ही अच्छी है या आपके डाइजेशन को भी प्रमोट करती है एक तरह के एंटी एसिड का काम करती है तो जिसको बहुत ज्यादा जिन लोगों को एसिड रिफ्लेक्स होते हैं उनके लिए ये चाय मैं हाईली रिकमेंड करूंगी इसके अलावा ये फाइबर में भी रिच होती है कॉन्स्टिपेशन से बचाती है ब्लोटिंग uh, से क्रम्प जिन लोगों को होते हैं स्टमक में स्पेशली पीरियड्स के दौरान या अपसेट स्टमक होता है के लिए भी ये चाय बहुत अच्छी है बिकॉज इट इज रिच इन सिलेनियम तो फीमेल और मेल दोनों की फर्टिलिटी के लिए भी ये चाय बहुत ही अच्छी है एज सेड जापान में कहते हैं कि जो लोग ये चाय पीते हैं उनको फ्रीडम मिलती है ब्लड इम्प्योरिटी से ये आपके ब्लड शुगर लेवल को भी रिड्यूस करता है ब्लड को क्लीन करने के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर जिन लोगों को होता है उनके लिए भी काफी सुटेबल है ये ये दिन में जो हमें थकान होती है हमारी बॉडी से वो थकान को भी दूर करने में मदद करती है इसके अंदर दो ऐसी चीज़ें हैं मिलेटिन और इसके अंदर ट्रैफ्टफन होता है दोनों ही नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जिन लोगों को इंसोमिनिया होता है नींद में बहुत ज़्यादा करवटें लेते हैं वो लोग रिलैक्स फील नहीं करते हैं एनशस रहते हैं सोते वक्त भी उनके लिए ये चाय बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशल रहेगी ये आपको शाम के वक्त वाइंड अप करने में रात के वक्त वाइंड अप करने में मदद करेगी Now, कई लोगों को रात में स्नैकिंग का भी मन करता है तो ये आपके एपेटाइट को भी कंट्रोल करके रखती है मेटाबॉलिज्म को भी ये चाय बूस्ट करती है ये बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन जिन लोगों को होता है जितनी भी बीमारियां होती है अर्थराइटिस है गाउट है या फिर जॉइंट में पेन होता है वो सब इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है क्योंकि इसके अंदर इतने सारे एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं इतने सारे बेनिफिशियल कंपाउंड्स हैं तो ये इन्फ्लेमेशन को कम करती है साथ ही न्यूरोजेनरेटिव जो डिजीज या क्रॉनिक डिजीज होते हैं उसके सिम्टम्स को भी ये कम करती है जिन लोगों को मीनोपॉज के सिम्टम्स हैं फीमेल्स को जैसे कि उन्हें स्वेटिंग होती है हॉट फ्लैश होते हैं उनको भी ये ईज आउट करती है जिन लोगों को दांतों में प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी अच्छी है चाय सो दिस वॉज बार्ले टी मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ आई थिंक ऐसी जो हेल्दी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है और वो उन इन्ग्रीडियंट्स से बनी हैं जो इजिली अवेलेबल है हमारे आसपास उन्हें हमें अपनी डाइट के अंदर ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द कॉथमिली टी हमारे साउथ में इसी तरह कोरियांडर को रोस्ट करके चाय बनाते हैं तो ये बार्ले का एक वर्जन है इसे भी आप लोग ज़रूर ट्राई करें अपनी डाइट के अंदर इंजॉय करें अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें अगर आप रेसिपी को ट्राई करते हैं तो उसके पिक्चर्स लेके मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर करना ना बोले मुझे टैग करना ना बोले थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टे हेल्दी स्टे फिट स्टे एक्टिव एंड ऑल बी बैक वेरी नेक्स्ट टाइम यू टेक केयर बाय बाय